कि मेरे तो ज्यादा नबी पाक नाल प्यार करने वाला कोई नहीं। साडे माशरे दे अंदर सब तो ज्यादा जो बुराई आम है, जना आम है, शराब, बेनिमाजी, यतीमा मस्कीना का हक खाना, लोगों दिया जायदादा ते कब्जे करने, ये तो एक तरफ रह गया मामला, गुनाह बहुत बड़े। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मुकाम ते केरा अनवान बयान किया, केरा मौजू बयान किया, जिहड़ा अनवान नबी पाक दे कोल आया, नबी पाक ने सहाबा नूं दस्या, सहाबा ने सानूं दस्या, ताबईन दे कोल आया, मुहद्दिसीन दे कोल आया, वो पैगामे मुस्तफा अरब की जमीन तो चलता चलता अज फैसलाबाद की जमीन अंदर आया। पैगाम की है? फरमाया कायनात दे लोगों, दुनिया ते जिंदगी बसर करने वालों, अगर वाकई ईमानदार हो, अल्लाह दे रसूल का कहना मानने वाले हो, फरमाया जिहड़े तुहाडे तो पहले काफर लोग सन ना, अल्लाह ताला ने उन्हां दी मिसाल कुराने पाक अंदर बयान की और हकीकत भी। फरमाया वाइदा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजुहु मुसवद्दम वहुवा कज़ीब। फरमाया जो काफिर लोग सन, वाइदा बुशिरा जो उन्होंने खुशखबरी दी जाती, कादी खुशखबरी, जल्ला वजूहु मुसवद्दन वहुवा कज़ीब, बिल उनसा बेटी की खुशबू खुशखबरी दी जाती कि अल्लाह ताला ने तुहानू अपनी रहमत बेटी नाल नवाजिया। जल्ला वजूहु इन्हां दे चेहरे स्याह हो जाते, इन्हां दे रंग उड जाते, परेशान हो जाते, वाह वेले करने शुरू कर देते कि अल्लाह ने बेटी दे दीती। हज़रात पिछले दिनों सोशल मीडिया से ये बात आम हो चुकी है कि एक बाप है ना, चार उदियां बेटियां ने, एक जवान है, उस तो छोटी है, उस तो छोटी है, एक बेटी है दुध पीती, इन्हें बेटिया मुसलसल जदों अपनी अखा के सामने देखा, बेटियां लैके एक नहर के किनारे ते चला गया। वो छोटी जी मासूम बच्ची, दूध पींदी बच्ची नू उठा के नहर के अंदर सट दिता गया। वजह की है कि जवान हो जाएगी, फिर इहदा निकाह भी करना पवेगा, फिर दूसरी बेटी नू पकड़िया नहर अंदर सट दिता गया, तीजी नू पकड़िया नहर अंदर सटिया, चौथी बेटी जवान है, उन्हें बाप दे डर तो ही खुद ही नहर अंदर छलांग लगा दीती है कि मेरा बाप मैनू सुटेगा। उस तो पहला डर की वजह तो नहर अंदर छलांग लाई, चार बेटियां नू मौत की घाट उतार दिता गया। वजह की है कि वो 1400 सदियां गुजर गईयां, अज भी और काफिर लोग बेटियां तो नफरत करते, अज साडे माशरे अंदर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं बेटी की खबर सुनते ने नफरत करते, रिश्तेदारों को दसना भी गवारा नहीं करते। हजरात जहालत कदों खत्म हो गई आ, कुरान ते आना नहीं, नबी सी आ गए, सहाबा सानू दस गए, वही का नज़ूर ते हुण होना नहीं, कौन है जिहड़ा सानू समझाएगा। मैं बड़िया अहम बातां तुस अहबाब दे नाल करना चाहना, और मेरा ये तुहाडे नाल वादा है कि जितनी देर तुसीं इत्थे बैठोगे मैं तुहाडा टाइम ज़ाया नहीं होण देंगा, क्योंकि तुसीं कारोबार कारोबार बीवी बच्चे औलाद सब कुछ छड़ के अल्लाह दे घर अंदर आए हो। कल क़यामत वाले दिन आलमे दीन दे कोलों सवाल किया जाएगा कि मेरे बंदे सब कुछ छड़ के तेनू मस्जिद दे अंदर आए, आके तुहाडे सामने बैठ के
जे मैं टाइम जाया करांगा, आलमे दीन टाइम जाया करेगा, वाइस वास करने वाला अगर लोगों का टाइम जाया करेगा, एदी भी क्यामत वाले दिन अल्लाह दे हां पूछ होएगी, सवाल किया जाएगा। हजरात बेटी की अजमत और इस्लाम अंदर बेटी का मुकाम, इस हवाले नाल मैं चंद बातें अर्ज करना चाहना। मेरी दुआ है अल्लाह जिन्ना अज का यह प्रोग्राम करवाया, बरादरे मोहतरम अजीजम भाई मुहम्मद मोन साहेब और दीगर अहबाब रफीकुर रहमान, शेख रफीकुर रहमान साहेब और तमाम अहबाब का, जिन्हों की वजह तो आज तुहाडे जे नेक लोगों की ज़ियारत का मौका बने, मेरी दुआ है अल्लाह जितों जितों मेरे वीर भाई बुजुर्ग मेरिया मावा बहना नौजवान चल के आए ने, अल्लाह कदम ब कदम गुलामा नू मुआफ फरमा के अल्लाह नेकियां अंदर तब्दील फरमाए। हजरात अल्लाह दे कुरान वाल गौर करना, बड़ी मुहब्बत का पैगाम है और कुरान अल्लाह ताला ने नबी पाक दे सीने ते नाज़िल फरमाया। अल्लाह दे कुरान वाल गौर करना, बड़े अहसन प्यारे अंदाज नाल अल्लाह दे कुरान की तर्जवानी सुनना। मेरे और तुसां दे आका सारी कायनात दे सरदार मुहम्मद, जितना इस्तवाए अगर सच्चे दिलों नबी पाक नाल प्यार करदे हो, मैनू बार बार कहना नहीं पवेगा, कुरान पढ़िया जाएगा, सुबहान अल्लाह, जिथे दिल अंदर नबी पाक का प्यार सुबहान अल्लाह भी कहेगा, जिथे नबी पाक का नाम आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहेगा। सही मुस्लिम की रवायत शेख तशरीफ फरमान है, लानत है वो बंदा, अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तिया की भी लानत है, नबी पाक ने लानत फरमाई है। सही मुस्लिम की रवायत है, जरा बंदा नबी पाक का नाम सुन के दुरूद नहीं ना पढ़ता, जरा मुहब्बत नाल पढ़ लो, आंढ़ियां गुआढ़ियां नूं पता चल जाए कि नबी पाक दे मनन वाले परवाने दीवाने बैठे ने। मेरे और तुसां दे आका सारी कायनात दे सरदार मुहम्मद अजीदा ने मन आ मेरे मुसलमान वीरा, इस बात वाल गौर करना, अल्लाह दे कुरान दी दावत और मालके कायनात ने ऐलान फरमाया, खालके अर्जो समा दा कुरान ऐलान कर रहे आए, आखिया बाईदा बुशीरा आहदुहुम बिल उनसा जल्ला वजूहु मुसवद्दन मुसवद्दन जल्ला वजूहु मुसवद्दन वहुवा कदीम। फरमाया अल्लाह ताला इन्हां काफिरां नूं खुशखबरियां मिलदियां, परेशान हो जाते ते गम ज्यादा हो जाते, बेटी दी खबर सुन के इन्हां दे चेहरे स्याह हो जाते, इन्हां जालिमां दे रंग उड़ जाते, अल्लाह ने धी दे दिती है ना। अदरात तवज्जो करना, नबी पाक हजे दुनिया ते आए कोई नहीं, अदरात अदरात हर तरफ जहालत ही जहालत, हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे ने, अरे नबी पाक दुनिया ते आए कोई नहीं। अदरात औरत नु हकीर समझिया जाता, बेटी नु हकीर समझिया जाता, और बेटियां नु जायदाद दे अंदर हिस्सा दे दिता जाता, बेटियां नु करीब भी बिठाया ना जाता, बेटियां नु लोग दिंदा दरगोर कर देंदे। उलमाए किराम दे कोलों सुनिया है ना, बेटियां नु जिंदा मिट्टी दे थले सट दिता जाता, मिट्टी दे थले सट के मिट्टियां पा के लोग चले जाते, हर तरफ जहालत ही जहालत। अदरात ओ मशहूर वाकया दईया कलमी दा, मेरे पैगंबर दे कोल आया, आके आंदे अल्लाह दे पाक पैगंबर, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने ओ गुनाह करके आया, मेनू पता है मेनू अल्लाह ने माफ नहीं करना। फरमाया की गुनाह
करके आया मैं। फरमाया मेरे घर बच्चियां बच्चे दी फरैश दा वेला सी ना, मैं कारोबार वास्ते चला गया। अपनी बीवी नु आखिया पैसे लै लै, मेरा बेटा होवे ते ओदे नाल मोहब्बत भी करे, ओनू किसे चीज दी कमी ना आवे। अल्लाह ने बेटी दित्ती ओनू जिंदा दरगोर कर देवे। अल्लाह दे नबी मैं घर आना वा, मैं दरवाजा खोलिया ते मासूम दी बच्ची है, नाले दरवाजा खोल दिए ना, एदियां मोहब्बतां वखरियां, एदे ते अंदाज प्यार दे वखड़े नजर आउंदे ने ना। लोगो पता जे ना बाप घर ना आवे ते बेटा फोन कर देंदा है, अब्बा जान फला चीज लै के आया रे, फला मेरे वास्ते लै के आया रे। बेटी इहो आंदी है, बाबा किसे चीज दी लोड़ नहीं, मेरा बाप घर अंदर आ जावे। नाले बेटी अपने बाप दा चेहरा वेंदी है, नाले मोहब्बतां वखरियां अंदाज वखरे ने ना। आंदा अल्लाह दे रसूल मैं बेटी नूं वेख्या, मैं आख्या दफन नहीं हो कीता दी सरदार, मेरे सिर दे तार ए बेटी जदों दी पैदा हुई है ना, हर तरफ रोशनाइयां एदियां मोहब्बतां, एदा प्यार ही बड़ा वे। हज़रात जदों बाहर निकलिया काफर आंदे ने, आंदे ने साडियां धीआं नूं सिद्धा मारदा रहिया वे, अज घर दे अंदर बेटी रखी बेटी नूं लै के निकले आओ। हज़रात जदों तवज्जो करना जंगल दे अंदर, इंज गला खोदिया ते बेटी नूं अंदर सुठिया ए ना, जदों बेटी नूं अंदर सुठिया वे, नाले नुमानी मासूम बच्ची रोंदी ए, नाले अखियां चो आंसू बहांदी ए, बाबा मैं ते तेरा दिन वी इंतजार करदी रही सां, मैं ते कोई मुतालबा वी ना कीता, मैं ते किसे चीज दा सवाल वी ना कीता। हज़रात तवज्जो करना, नाले रोई जांदी ए, नाले अखियां चो आंसू बहाई जांदी ए, आंदी ए ना मैं रोवां, ना मैं पैसे मंगा, ते ना तेरे घर आवा, छड़ के ना जावी बाबल, मैनू किते रोंदी रोंदी मैं मर जावां। आंदा अल्लाह दे रसूल मैनू दर्स ना आया, मैं बच्ची ते मिट्टी पाउंदा जा रहा वा, छोटा जिहा मासूम जिहा चेहरा मेरी बेटी दा बच गया, सारा जिसम मट्टी दी लपेट अंदर, थोड़ा जिहा चेहरा नजर आ रहा वे। नाले मेरी बेटी रोंदी है, नाले आंदी है बाबा हशर दा दिहाड़ा होसी अल्लाह दे दरबारे, लब लवांगी बाबा तेनू ते बदले लवांगी सारे। हज़रात अल्लाह दे कुरान दा 30वां पारा फरमाया भी आई जम्बिन कोटी लाल, फरमाया जेड़े बेटियां नू दफन कर दे रे ओ 1400 सदियां पहले, ते अज जेड़े लोग बेटी दी खबर सुनदे ने अल्ट्रासाउंड दे जरिए देखे आ, अज बच्ची ए बच्ची नू जिंदा डीएनसी करवा के मार दिता गया, जिथे काफर जहन्नम दे अंदर होणगे। आ डीएनसी करवाण वाला जालम भी उहनां दी सफ दे अंदर खड़ा होएगा। आ मेरे आवीरां बेटियां ते मेरे नबी दी हदीस सुनिया रे, मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया, मन आला जारिया तईन, मन आला जारिया तईन हत्ता तबलूगा। फरमाया जिहड़ा बंदा दो बेटियां दी परवरिश करेगा, दो बेटियां दे नाल उसने सलूक करेगा, दो बेटियां दे नाल प्यार करेगा, फरमाया जन्नत दे अंदर मेरे नाल इंज होएगा जिवें दो उंगलियां बराबर ने, इन्हां नूं दोवां नूं वख कोई नहीं कर सकदा। जन्नत दे अंदर बेटियां दी परवरिश करन वाले नूं मेरे तो वख कोई नहीं कर सकेगा। आ मेरे आ वीरां तवज्जो करना, तीजा फरमान नबी पाक दा, मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया, बेटियां देवे ते मेरा अल्लाह देवे। इन्हां काफरां बेटियां नूं अगे कीता, बेटियां नूं पिछे कर दिता इन्हां। हज़रात ए बात गवारा, मेरे अल्लाह भी ना कीती, मेरे मालिक ने कानून बना दिता है, अल्लाह ने कुरान बना के मेरे आका दे सीने ते नाज़िल फरमा दिता है ना। आखिया सोनिया लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्दी, लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्दी, कसम ज़मीनो आसमान दी, या खुलु कुमा यशा।
ਚਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਇਮਾਨ ਅਕੀਦਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਏ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਏ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾਹਾ ਬੋਲੀ ਮਈ ਅਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾਹੂ ਸ਼ਕਤੀ ਜੂਹਮ ਸੁਕਰਾਨੰ ਮਈ ਨਾਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਇਆ ਜਾਲੂ ਮਈ ਅਸ਼ਾ ਵਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨਹੂ ਅਲੀਮੁਨ ਕਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਦਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁਕਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਬਾਦਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸਜਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ ਆਖਿਆ ਅਲਮਿਆ ਜਿਦ ਕਉ ਯਤੀਮਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਔਰ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਆਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਪ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਂ ਆਮੀਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦਾਦਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਜਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵੇ ਇਬਾਦਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਅਰਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਲ ਵਜਤ ਤੁਮੋਨੀ ਸਾਦਿਕਨ ਔ ਕਾਜ਼ੀਬਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਪਾਇਆ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਉਲਾਰਿਆ ਵੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਯਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾ ਜਰਬ ਨਾ ਕਾ ਇਲਾ ਸਿਦਕਨ ਕਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਇਆ ਵੇ ਆਖਿਆ ਤੁਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਜ ਦਰਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਮਾਲਿਕ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਏ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਹਜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਬੇਗਾਨੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਸਭ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੱਬਨ ਲਖਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਏ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਲੜੀ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਸੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੋ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ
पत्थर मार के चला जाना। वो उठदा मेरे पाक पैगंबर दे गल अंदर कपड़ा पा के वट देने शुरू कर देना। वो उठदा मेरे आका दियां रामा दे अंदर कंडे बिछा के चला जाना। वो उठदा मेरे पाक पैगंबर दी बेटी जैनब दे पेट अंदर निजाम मार के चला जाना। वो उठदा मेरे आका ने फातिमा दे चेहरे ते थप्पड़ मार के चला जाना। इन्हां जालिमां नूं पता वे मुहम्मद दा वीर भी कोई नहीं, इहदे ते पिछे आउण वाला कोई नहीं। और मेरे आका ने ऐलान तौहीद कीता, अब मेरे अमीरां ऐलान कीता है ना, इन्हां मक्के वालिआं बड़ा मारिआ। अम्मी खदीजा सैयदा खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तलाशे दिंदियां रहीआं, आखिआ सोनिआ अल्लाह तुहाडे जे लोगां नूं कदी जाया नहीं करना, मेरा मालिक मुल पाएगा ना। हज़रत सैयदा तलाशे दिंदियां ने एक वक्त ऐसा आया मेरे पाक पैगंबर घर आए ने, अने सैयदा फातिमा ने दरवाजा खोलिया। लोग जेड़ा अनवान मेरा जिस मौजू ते मैं लबुशाही करना चाहना, अने सैयदा फातिमा ने दरवाजा खोलिया ते मेरे आका अंदर आए ने। फातिमा रोई जा रही ना, आखिया बाबा फरमाया बेटी की होया, आखिया अबू जी अम्मी खदीजा दिया तबीयत बड़ी खराब है ना सारे। मेरे आका अंदर आए ने फरमाया खदीजा की होया, अने सैयदा हाथ बने ने फरमाया सोने अगर खिदमत दे अंदर कमियां रह गईया अज खदीजा नु माफ कर दे आए। पता नहीं जिंदगी साथ देवे या ना देवे, जिंदगी दा भरोसा कोई नहीं। अज सामा वाली गोली जेड़ी है रुक रुक के चल रही है, इंज लगदा जिवें मौत दा वेला करीब है ना। और लोगों पता देना कोई नबी होवे या आलम होवे, कोई वली होवे या उसूल होवे, ए मौत वाला पैगाम हर इंसान नु आके रहना है ना। ये दो दिन की जिंदगी है इतना उछल उछल के चल, ये रास्ता है आने जाने का जरा सोच संभल के चल। हम शहर को निकले रास्ते कुछ वीरान थे, उन वीरान रास्तों में कब्रस्तान थे और कब्र पर पड़ी हड्डियों के ये बयान थे। ऐ इंसान जरा सोच के चल, कभी हम भी इंसान थे, असम भी जिंदगी गुजारी है ना। सैयदा खदीजा मेरे आका नूं नाले प्यार कर रही ने, नाले आंदियां ने सोने मैनूं माफ कर दे आजे। अगली गल सैयदा ने कीती फरमाया सोनिया जिंदगी साथ देवे ना देवे, मैं ज़ौजियत दे अंदर मैं तुहाडी बीवी कदम कदम ते तुहाडे नाल वफा करदी रही, कदम कदम ते दलासे देंदी रही। पता नहीं जिंदगी साथ इत्थों तक ही सी। नबी पाक दी अखां बरस पईआं, फरमाया खदीजा जदों मैनूं मक्के वाले पत्थर मारदे सन जवाब खदीजा देंदी सी, दलासा खदीजा देंदी सी। सैयदा इंज हथ बन्ने अल्लाह दे रसूल दे सामने बेटियां दा हथ नबी पाक नूं दित्ता, फरमाया सोहणिया मेरियां इन्हां चार धीआं दा ख्याल करिआ जे, फातिमा दा ख्याल वी करिआ जे, उम्मे कलसूम दा ज़ैनब दा रुकैया दा ख्याल करिआ जे। नबी पाक अली सलाम दी बीवी दा हाथ जमीन वल चुकिया, सैयदा खदीजा दुनिया तो चलिया गईया। नबी पाक अली सलाम बेटियां दी फिर मुहब्बत भी कर दे फिर तरबियत भी कर दे। हजरात तवज्जो करना जरा, हजरत फातिमा कह दियो रज़ी अल्लाह तआला सैयदा फातिमा। एक दिन ना नबी पाक अली सलाम दे सहाबा भी बैठे ने ते अल्लाह दे रसूल पता की आंदे ने, फरमाया तुहाडे चो सारिआं चो इतने बैठे हो कोई है वे जिहड़ा मेरे सवाल दा जवाब देवे। फरमाया सोनिया सवाल करो। अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने औरत दे कोल सब तो अच्छी चीज केड़ी है। हजे इन्नी गल कीती सारे सहाबा खामोश, अबू बकर उमर उस्मान अली सारे खामोश ने। फरमाया जाओ असर दी नमाज वेले सारे ही आया जे, जिन्हों जवाब आया वो भी आ जाए, जिन्हों जवाब ना आए वो भी आ जाए। हजरत अली कह दियो रज़ी अल्लाह तआला
घर के अंदर गए दरवाजा खड़काया तो जी नस्ली बीवी होंगी है ना इज्जत वाली खानदानी बीवी होंगी ओनू अपने शोहर का चेहरा देख के पता चल जाता है अज मेरे सिर का ताज परेशान है अज गम सदा सैयदा फरमादिया ने अली मेरे सिर के ताज खैर है फरमाया तेरे अबू ने अज एक सवाल किया जिसका जवाब किसी ने भी ना आया फरमाया अली सवाल तुसी दसो जवाब मुहम्मद की बेटी फातिमा दे देगी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली ने सवाल दसिया औरत दे कोल सब तो अच्छी चीज कहरी है सैयदा फातिमा हसके फरमांदियां ने अली ये भी कोई सवाल है जिसका जवाब तुहानू नहीं आया सैयदा जवाब दसिया हजरत अली मस्जिद में नमाज नबी पाक पढ़ाई तवज्जो करना अजीदा ने मन आ मेरे मुसलमान मीरा इस बात वाल गौर करना मेरे पाक पैगंबर अली सलाम मेरे आका मेरे पाक पैगंबर नमाज पढ़ाइए और मेरे आका अली सलाम ने ना अज नमाज तो सलाम फेरिया आवाज कट करो समझ नहीं आ रही थोड़ा जहा आवाज कर डबल डबल आवाज जारी निकल रही है कट कर दे थोड़ा जा नबी पाक अली सलाम ने नमाज पढ़ाई तवज्जो करना अजीदा ने मन आ मेरे मुसलमान मीरा इस बात वाल गौर करते जाना मेरे पाक पैगंबर अली सलातो वसलाम ने नमाज पढ़ाई है ना हजरत अली अली रजी अल्लाह तआला अनु खड़े हो जाते ने खड़े होके फरमाते ने अल्लाह दे रसूल मैं जवाब देना चाहना सवाल का जवाब दसना चाहना मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने आके आओ फरमाया अली मेरे पाक पैगंबर का गुलाम भी और मेरे आका अली नाल प्यार भी बड़ा करते ने अली नाल मुहब्बत भी बड़ी करते ने ना मेरे आका फरमाते ने अली इंज लगता वे जिमें मेरी बेटी फातिमा ने तेनों जवाब दस दिता है ना हजरत अली फरमाते ने अल्लाह दे रसूल जी जी फरमाया की जवाब है फरमाया औरत दे कोल सब तो बेहतरीन जिहड़ी चीज है ओहदे खामन की इज्जत है ना अपने खामन की इज्जत का ख्याल करे अपने खामन की इज्जत का ख्याल तवज्जो करना रहो मेरे आका दी सलाम मुहम्मद ओ सैयदा फातिमा जदों मैं आउंदियां मेरे आका इस्तकबाल दे अंदर खड़े हो जांदे खड़िया हो के मेरे आका अपनी बेटी दा बोसा लै हिसाब होना है रहमत का हिसाब नहीं होना रहमत का अल्लाह ने हिसाब नहीं लेना रात तवज्जो करना बेटी नाल प्यार करिया कर बेटियां मां बाप दे नाल मोहब्बत कर दिया ने मां बाप दे नाल भी प्यार कर दिया ने हजरात जे समझ नहीं आई आओ मैं गल मुकदी मुकावां हजरात तवज्जो करना एक स्कूल टीचर है हजरात तवज्जो करना जरा स्कूल टीचर है ते अपने ना स्टूडेंट नूं सामने बिठाया ते स्टूडेंट पता कि आंदे टीचर जी कोई अपनी जिंदगी का वाकया ही सुना दिओ ते जिहड़ी टीचर है ना इन्हें स्कूल अपने स्टूडेंट के सामने एक वाकया सुनाया शायद कि वह वाकया तेरे दिल से असर कर जाए इन्हां बेटियां तो नफरत खत्म हो जाए बेटियां नाल प्यार करे नबी पाक दी भी सुनना ते स्टूडेंट सारे सामने ते बेटी पता की आंदी बची अजीदा ने मन आ मेरा मुसलमान मेरा इस बात वाल गौर करे आजे हजरात तवज्जो करना लोग भी बैठे हुए ने ये बच्ची आंदी गल सुनना एक बाप सी ना उदो अल्लाह ताला ने चार बेटे अता फरमाए सन ओदी एक बेटी पैदा हो जांदी है ना हजरात तवज्जो करना चार बेटे ते एक बेटी जदों बेटी पैदा हुई है इस बेटी दी पैदाइश ते इहदे खामन दी जड़ा इहदी बीवी दुनिया तो चली जांदी
जवानी ये दुनिया तो चली गई, इतनी बच्ची पैदा हुई है ना, इतने बाप ने आख्या इस बच्ची नो मार दियो ले जाओ ना, इतनी वजह तो मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, इतनी वजह तो मेरी बीवी दुनिया तो चली गई है, इतनी वजह तो ये मनहूस जिनी वजह तो मेरी बीवी का इंतकाल होया वे। अब मेरे अमीरा ते मेरे हजरात तवज्जो करना, बच्ची रोंदे आ रोंदे आ, आदि एक वक्त ऐसा आया दिन चढ़दा वे, इहदा बाप जिहड़ा एक बच्ची कोने अंदर बैठ के रोई जा रही है, इहदा बाप खाना नहीं देंदा, पीन वास्ते दूध नहीं देंदा, ते रात नूं उठाया हजरात एक शफर दे अंदर पा के ना बाहर चौक दे अंदर रख के आ जांदा है, लै जाएगा कोई मनहूस नूं लै के चला जाएगा। हजरात दूसरा दिन चढ़िया ते वेखिया बच्ची उस जगह ते रो रही है, लै के घर दे अंदर आया वे, अगली रात दा वेला ते चौक दे अंदर छड़ के आया। हजरात अगला दिन चढ़िया ते फिर बच्ची नूं लै के वापस आ जांदा है ना, जदों लै के आया ते आखिया ए इतनी मनहूस है इहनूं कोई लै के नहीं ना गया, हजे इन्नी गल कर रहा वे, नारे जिंदगी दे अयाम गुजरदे जा रहे ने, अज बच्ची जवान हो जांदी है, जवान हो के स्कूल टीचर लग जांदी है ना। हजरात तवज्जो करना जरा, एक वक्त ऐसा आया इस बच्ची दा बाप बीमार हो जांदा है, हस्पताल वाले लोगों ने जवाब दे दिता है इन्हें बचना कोई नहीं, एक गुर्दे की लोड़ है, अगर गुर्दा मिल जाएगा अल्लाह जिंदगी दे देगा। चार पेटियां नूं आखिया डाक्टरां ने इन्हों गुर्दे की लोड़ है, कोई है वे गुर्दा दे दे। हजरात तवज्जो करना जरा, इन्हां चारां ने आखिया गुर्दा नहीं देईए साडा बाप फिर भी ना बचे, किसे गुर्दा ना दिता। ये खबर चलदी चलदी बच्ची दे कोल पहुंच जांदी है, नाले बच्ची आउंदी आउंदी डाक्टर साहब की तमसला वे, हरमाया तेरे बाप नूं गुर्दे की लोड़ है, ना मिलिया मर जाएगा। हजरात जल्दी नाल लेट जांदी आखिया मेरा गुर्दा कढ के मेरे बाप नूं पा दिता जावे। हजरात तवज्जो करना, बाप नूं होश आया वे, आंदा मां मेरे ओ बेटे ओ गुर्दा दे दिता जे ना, दुआवां ते लगदा डाकड वी रोई जा रहे ने, आंदे आ गल सुन वे ओच दे नाल नफरत करदा रहा वे, ओ बच्ची ने तेनूं गुर्दा दिता है ना, उस बच्ची ने तेरी जान नूं बचाया है ना। हजरात तवज्जो करना, नाले गल सुनांदी नाले रोई जांदी है ना, ते रोंदिया रोंदियां दी गल सुनो, अगर तुहानूं ओ बच्ची वेखण दा तजस्सुर पैदा नहीं होया, हरमाया टीचर ओ कौन ने, हरमाया ओ बच्ची वेखनी जे मैनूं बद नसीब नूं वेच लवो, मेरे बाप ने एक दिन वी मेरे नाल प्यार नहीं कीता, एक दिन वी मेरे नाल मुहब्बत ना कीतिया, एक दिन वी मैनूं खाना ना दिता, अज मैं अपने बाप नूं गुर्दा दे के अपने बाप दी जान नूं बचाया। लोगों बेटियां ते मां बाप वास्ते नाले दुआवां करदियां ने, नाले अल्लाह दे सामने इल्तजावां करदियां, अल्लाह जिथे मेरे बाप अल्लाह पैर हो भी उथे ही खैर होवे, इन्हां दियां मुहब्बतां वखरियां, इन्हां दा प्यार ही वखरा है। मेरे आका दी सलातो सलाम, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप बेटियां दी तरबियत की थी ना। हजरत आओ मैं गल मुकदी मुकामा, हजरत सैयदा फातिमा सब कह दियो रजी अल्लाह तआला अनहु कनहा, कौन फातिमा में जिने बारे मेरे आका फरमाया कर दे अन फातिमा तो बिजातु मिन्नी, फरमाया मेरी बेटी नो दुख ना दे आ जे, मेरी बेटी नो परेशान ना करे आ जे, और लोगो सब तो छोटी बेटी है मेरे आका दी फातिमा। हजरात तवज्जो करना जरा, मेरे पाक पैगंबर दा गुलाम आया वे, कलमा पढ़िया ते दायरा इस्लाम दे अंदर दाखल हो जांदा है, जो कलमा पढ़िया ते अंदर सोनिया मैनूं भुख बड़ी लगी हुई है, खाना खिला दिओ ना। मेरे आका फरमांदे ने सलमान फारसी जरा मेरे करीब आ ते सही ना, जा ए मेरे मेहमान नूं लै जा, ए नूं जा के खाना खिला
ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮੀ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਮੂਨਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਖਮਾਰੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਵੇਰੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਏ ਨਾ। ਅਜਾ ਬਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮਨ ਦਕਲਵਾ ਕੌਣ ਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਆਇਆ। ਸੈਯਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਆ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਕੀ ਗੱਲ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬਰਸ ਪਈਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਬੂ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਚਾਚਾ ਉਹ ਜਰਾ ਜਮੂਨ ਯਹੂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਦਰ ਫੜਾਈਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਿਮਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਏ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਸਲਮਾਨ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦਮ ਪਿੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਮੂਨ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਇਹ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਕੁਛ ਦਾਨੇ ਦੇ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਏ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਚਾਦਰ ਕਿਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਹ ਚਾਦਰ ਕਿਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚਾਦਰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਦਾਨੇ ਦੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਦਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਦਾਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬਰਸ ਪਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਦਾਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਵੇ, ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਰੱਖਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਲੈ ਜਾ, ਬੇਟੀ ਕਾਫਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੂ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ, ਅਸ਼ਹਦੂ ਅੱਲਾਹ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਆਖਰੀ ਮੇਲਾ ਵੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੀ ਹਯਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜਲੂਸ ਪਈਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਸਾਡੀ ਮਰਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾਓ, ਆ ਮੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦਰਸਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
अंदर तबीयत खराब है। हजरत अली नु बुलाया ते आख्या आख्या अली मेरे सिर दे तार मेरिया चंद वसीयतां सुनिया ने। फरमाया की कहना चाहनी है? फरमाया जदों मेरा जनाजा जावे रात दियां तारीखियां दे अंदर मेरा जनाजा लैके जाया ने, मैं ते ए भी गवारा नहीं करदी कि मेरे कफन ते किसे गैर मर्द दी निगाह पै जावे। मेरे ना बच्चियां दा ख्याल भी करिया जे, हसनो हुसैन दे नाल प्यार भी करिया जे ना। हजरात कैसी शर्मो हया वाली तरबियत मेरे आका ने अपनियां बेटियां दी कीती है ना। एक दिन सैयदा फातिमा आईया, फरमाया बाबा मैं अली ना नाराज होके आईया। फरमाया बेटी अगर इसे हालत दे अंदर तेनों मौत आ गई, मैं मुहम्मद तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ावांगा। हजरात इत्थे तरबियत मेरे आका दी, मेरे पाक पैगंबर बेटियां दी तरबियत कर दे और मेरे आका अपनियां तियां नाल प्यार कर दे। अज नबी दा कलमा पढ़िया वे बेटियां तों नफरत करने वालो, बेटियां दे अधीन हिस्सियां नूं मारने वालो, बेटियां दे जायदाद ते कब्जा करने वालो, औलादां नूं अपनियां जायदादां दे वारस बनाने वालो, इन्हां नौवानियां नाल प्यार करिया कर। इन्हां इक दिन अपने घर अंदर चले जाना वे, इन्हां इक दिन तेरा घर छड के चले जाना वे ना। और लोगों मैं वेखिया है ना, अगर ससुराल वाले घर दे अंदर इक चूड़ी टुट जावे आंदी है मैं नवी लवांगी, हजरात ससुराल वाले परेशान करके रख देंदे ने। बाप दे घर दे अंदर बेटी होवे, बाप नखरे भी उठांदा है, ए बाप नाज भी उठांदा, मोहब्बत करदा है ना। हजरात पिछले दिनों एक बंदा नौजवान रोड एक्सीडेंट दे अंदर हजरात तवज्जो हादसे दा शिकार होया वे, हॉस्पिटल दे अंदर ले जाया गया, नाले रोई जांदा ते पता की आंदा मेरे तीन वीर ने ना इन्हां नूं बुलाओ ते सही ना, इन्हां सामने बुलाया आंदा अल्लाह दा वास्ता ने मैनूं बचा लो, इंज लगदा जिवें जिंदगी नहीं मुक जाएगी, जिंदगी दे साह टुटदे जा रहे ने ना। डाक्टर आखिया इन्हें बचना कोई नहीं, रोंदिया होया अगली गल करदा ते पता की आंदा आंदा अल्लाह दा वास्ता ने मेरी एक मासूम छोटी जी बेटी है उहदा ख्याल भी करिया जे, मेरी बेटी नूं रोन ना दिया जे। मरदिया मरदिया मां बाप अपनिया बेटियां नाल प्यार करन वाले भी है ने, नफरत करन वाले ते है ने, प्यार करन वाले भी बड़े नजर आउंदे ने ना। हजरात इसे वास्ते अल्लाह वाला तड़पिया, पता की आंदा कि तियां लई परदेस में बाबल ते पुत्रा लई जा गिरा दुख सुख सैना ते कुछ ना कहना तियां दिया तकदीरा। बेटी की अजमत, बेटी का मुकाम, बेटिया के दुख बड़ा लंबा है, लेकिन बगल इजाजत नहीं देता। फिर अल्लाह ने मौका लिया, इंशाअल्लाह गुफ्तगू होएगी। अल्लाह के दुआ है अल्लाह बेटियां दितियां नहीं मालिका, बेटियां के नसीब बच्चे बना अल्लाह। कसूर के अंदर छोटी जी मासूम बच्ची की इज्जत तार तार कर दी गई, मेरे मालिका बेटियां दितियां नहीं, अल्लाह बेटियां की इज्जत की हिफाजत फरमा। अल्लाह बेटियां दितियां नहीं, अल्लाह बेटियां के मुकद्दर अच्छे बनाए। जेड़े माँ बाप बेटियां अपने रिश्ते की वजह तो परेशान है, अल्लाह अपने गैबी खजाने चो अमदाद फरमाए। अल्लाह के दुआ है अल्लाह जो सुनिया सुनाया सही मान्य के अंदर अल्लाह सानू सारे उसके अमल कर तौफीक अता फरमाए। मियाँ मुहम्मद मकबूल साहब माशाल्लाह महबूब साहब दिन रात दीन का काम कर रहे हैं, जलसियां की जीनत मानते हैं, उलमाए इकराम का पैगाम दुनिया तक पहुँचाते हैं। इन्हां दी वालदा मोहतरमा बीमार ने, दुआ फरमाओ अल्लाह माँ जी को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद।
محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما الله جتر تیرے بندے بیمار میں مولا شفا کاملا جل عطا فرما اللہ سب تعالیٰ دے اندر کراں دے اندر جتھے جتھے مومن مسلمان بیمار نے اللہ شفا کاملا جل عطا فرما اے میرے مولا جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جتھوں جتھوں تیرے بندے چل کے آئے نے مالکا قدم قدم تے حفاظت فرما اے میرے مولا جنہ اج دا پروگرام کروایا اس پروگرام نو اینا واسطے ذریعہ نجات بنا اے میرے اللہ کوئی بے نماز آیا صفے اول دا نمازی بنا اللہ کوئی بے اولاد آیا صحبے اولاد بنا اے میرے مولا اولاداں دتیاں نے ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اس مجمے دے اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے تھے کسے دی والدہ دنیا تو چلی گئی کسے دا باپ دنیا تو چلا گیا اللہ ایسے بھی بیٹھے نے جنہاں دے دو میں مافے چلے گئے قبراں نو جنت دا باپ بنا اے میرے مولا قبراں نو حد نگاہ تک وسیع فرما اے میرے اللہ سانوں ساریاں بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما اے میرے اللہ رمضان المبارک دا با برکت مہینہ آ رہا ہے اے میرے اللہ صحیح طریقے نال نیکیاں کمان دی توفیق عطا فرما اللہ سحریاں افطاریاں کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے مولا سب ساریاں دے کبیرہ صغیرہ گناہاں نوں معاف فرما اللہ یارہ مہینے تیریاں بغاوت کر دے رے اللہ یارہ مہینے تیریاں نافرمانیاں کر دے رے اللہ رحمت برکت والا بارواں مہینہ رمضان دا آ رہا ہے اللہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ تیرے دیوانے اگر یوں ہی لوٹ جائیں بتا تیری نظر کرم کس لیے ہے اللہ جو منگیا وہی عطا فرما جو نہیں منگ سکے بے منگے عطا فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.